आप ये हेडलाइन पढ़िए, चाइना यूएसए को ओपनली धमकी दे रहा है, डोज हु प्ले विद फायर विल पेरिश बाय इट। या आप चाइना की ये धमकी पढ़िए, यूएसए को कीमत चुकानी पड़ेगी अगर नैन्सी पेलोजी ने ताइवान विजिट किया। या फिर ये धमकी कि अगर नैन्सी पेलोजी ताइवान आई तो ये एक्सट्रीमली डेंजरस होगा और इसका जिम्मेदार यूएसए होगा। नैन्सी पेलोजी आखिर है कौन और ये पूरा केस चल क्या रहा है, और इस छोटे से आइलैंड कंट्री ताइवान में ऐसी क्या मिस्ट्री है जिसकी वजह से चाइना यूएसए से फेस टू फेस लड़ने को रेडी हो चुका है, और इंडिया का इससे क्या लिंक है, ये बहुत बड़ा इशू है। आप इस वीडियो में ये कंप्लीट ए टू जेड सारी डिटेल्स जानेंगे। यह बात नोट कीजिए कि इतनी स्ट्रांग धमकियां चाइना की तरफ से तब आ रही है जब श्योरिटी भी नहीं थी कि नैन्सी पेलोजी ताइवान आएंगी भी या नहीं। लेकिन आखिर नैन्सी पेलोजी है कौन जिसने पूरे चाइनीज गवर्नमेंट की सांसें रोक रखी हैं? 82 साल की नैन्सी पेलोजी यूएस की डेमोक्रेटिक पार्टी की मेंबर है, साथ ही नैन्सी पेलोजी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है जो कि यूएस का लोअर हाउस है, जैसे इंडिया के लिए लोकसभा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि नैन्सी पेलोजी कितनी सीनियर मेंबर है डेमोक्रेटिक पार्टी की। इनफैक्ट वो यूएस की हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल है जिसने पिछले 25 सालों से ताइवान की जमीन पर कदम रखा हो। आप देखिए कि क्या माहौल बना रखा है चाइना ने। लेकिन इतनी धमकियों के बीच भी 82 साल की नैन्सी पेलोजी यूएसए से ताइवान के लिए प्लेन से रवाना हुई, और जैसे ही खबर पब्लिक में आई कि हाँ नैन्सी पेलोजी आ रही है, तो लिटरली पूरी दुनिया नैन्सी पेलोजी की फ्लाइट को ट्रैक करने लगी, और नैन्सी पेलोजी का प्लेन बोइंग C-40 क्लिपर वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैक फ्लाइट बन गया। फ्लाइट रडार 24 के हिसाब से इस फ्लाइट को करीब 3,20,000 लोग लाइव अपने स्क्रीन पर देख रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि इशू कितना ज्यादा इंटेंस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए। चाइना ऑलरेडी ये पूरी दुनिया में क्लियर कर चुका था कि अगर नैन्सी पेलोजी ताइवान आई तो यूएस गवर्नमेंट का डिसीजन एक्सट्रीमली डेंजरस होगा, क्योंकि चाइना जानता है कि यूएस ताइवान रिलेशन स्ट्रांग हुए तो उसका ताइवान पर से कंट्रोल बिल्कुल घट जाएगा। 2 अगस्त 2022 ताइवान टाइम के हिसाब से रात 10:50 पर नैन्सी पेलोजी का प्लेन ताइवान लैंड करता है, और इसी बीच ताइवान की गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल ट्विटर पेज से ट्वीट करती है कि चाइना के 21 फाइटर जेट्स ताइवान की एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में एंटर कर चुके हैं। हालांकि ADIZ ताइवान के टेरिटोरियल एयर स्पेस नहीं होता, उसके बाहर का एरिया भी इसमें इंक्लूडेड होता है। यानी ताइवान के एयर स्पेस के आसपास 21 फाइटर जेट्स चाइना के उड़ने लगे। ये सब रियल में चल रहा है, और नैन्सी पेलोजी की लैंडिंग भी कोई आम लैंडिंग नहीं हुई है, पूरी मूवी स्टाइल में हुई है। उनका प्लेन पहुंचने से पहले यूएसए ने ताइवान के ईस्टर्न साइड पर 4 वॉरशिप्स, जिसमें से एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, वो तैनात कर दिए। अब फाइनली बीजिंग ने स्पष्ट कह दिया है, जो कोई भी नहीं सुनना चाहेगा, कि अब चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी लॉन्च करेगी सीरीज ऑफ टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशंस नैन्सी पेलोजी की इस विजिट को काउंटर करने के लिए, और चाइना की आर्मी हाई अलर्ट पर रख दी गई है, और ताइवान के क्लोजेस्ट पॉइंट कोस्ट ऑफ फुजियान पर चाइना ने अपने टैंक्स तक तैनात कर दिए, जो कि बहुत ही वॉर लाइक सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। CCP के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन वैंग वेनबिन ने शिंजो आबे को भी ताइवान इशू पर डायरेक्ट ऐसी ही धमकी दी थी कि शिंजो आबे ने अगर ताइवान के इशू पर कुछ कहा तो उनको खून से नहाना पड़ेगा, टूटी हुई गर्दन के साथ। ये ऐसी बातें चाइना के स्पोक्सपर्सन कर रहे थे। शिंजो आबे की डेथ लिंक्स पर हमने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जरूर देखिएगा। इनफैक्ट आप जानकर हैरान होंगे कि पिछले हफ्ते से खुद जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी नैन्सी पेलोजी को मना कर रहे थे ताइवान जाने से, और जो बाइडेन ने कहा था कि मिलिट्री थिंग्स इट्स नॉट अ गुड आइडिया राइट नाउ, लेकिन फिर भी नैन्सी पेलोजी ताइवान गई, और पहुंचते साथ उन्होंने ट्वीट करके कहा, अमेरिका का साथ ताइवान के 23 मिलियन लोगों के लिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है, और दुनिया के पास ऑप्शन है कि वो चूज करे ऑटोक्रेसी या फिर डेमोक्रेसी। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये आग में आखिरी घी डालने का काम नैन्सी ने इस ट्वीट से कर दिया है। हांगकांग जो खुद चाइना से परेशान है, वो तो पेलोजी की विजिट को अपोज कर रहा है। और आपको यहाँ ऑटोक्रेसी का मीनिंग समझना जरूरी है। डिक्टेटरशिप में एक पार्टी एक देश को रूल करती है, लेकिन ऑटोक्रेसी में कुछ लोग या फिर एक इंसान ही पूरे देश को कंट्रोल करता है। लेकिन ताइवान में आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ है कि चाइना डायरेक्ट इतनी भयानक धमकियां दे रहा है, जैसे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर देगा।
वर्ल्ड वॉर टू में जापान की डिफीट के बाद ताइवान, जो कि पहले जापानीज कॉलोनी था, वो चाइना की नेशनलिस्ट पार्टी या फिर कहे KMT गवर्नमेंट के अंडर आ चुका था। लेकिन उसके बाद शुरू हुई चाइनीज सिविल वॉर, जो कि 1945 से 1949 तक चली। KMT जो कि नेशनलिस्ट पार्टी थी और CCP जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है, इन दोनों के बीच आप जानकर हैरान होंगे कि जैसे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज की खुद की आर्मी नहीं होती, आर्मी देश की होती है, लेकिन चाइना में पॉलिटिकल पार्टीज की खुद की आर्मी होती थी। तो ये सिविल वॉर इन दोनों के बीच लड़ी गई, जिसमें CCP जो करंट गवर्नमेंट है चाइना की, उसने नेशनलिस्ट पार्टी को डिफीट किया, जिस वजह से उन्हें मेनलैंड चाइना छोड़कर ताइवान जाना पड़ा। तो अब ताइवान की पार्टी यानी KMT वो ताइवान को कहती है रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान को एक अलग देश मानती है। दूसरी तरफ CCP ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और ताइवान को अलग देश नहीं मानती, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं करती है और कहती है कि दुनिया में चाइना नाम से सिर्फ एक ही देश है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान उसी के अंडर एक प्रोविंस है, और इसी को कहा जाता है वन चाइना पॉलिसी। अब अगर कोई भी देश ताइवान की नेशनल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करता है या उनसे नेगोशिएशंस करता है एक देश की तरह, तो चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। चाइना का एंटी सेसेशन लॉ 2005 में जो इफेक्ट में आया, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है जो चाइना का स्टैंड ताइवान को लेकर एकदम क्लियर कर देता है। इस लॉ में 10 आर्टिकल्स हैं और 8 आर्टिकल क्लियर कट कहता है कि अगर पीसफुल तरीके से ताइवान का रीयूनिफिकेशन नहीं हुआ तो चाइना बिना किसी झिझक के नॉन पीसफुल मींस का यूज करेगा। दरअसल ताइवान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन साउथ चाइना सी में चाइना के लिए एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। ताइवान के आसपास US फ्रेंडली टेरिटरीज जैसे गुआम और हवाई, USA ने अपने एयरफोर्स बेसिस एंडरसन और व्हीलर बेस स्टेशन बना रखे हैं वहाँ, जहाँ से US साउथ चाइना सी में एक्सेस करता है। और अगर चाइना ताइवान को कंप्लीट कंट्रोल में ले लेगा तो पूरे साउथ चाइना सी में चाइना की डोमिनेशन एस्टैब्लिश हो जाएगी। ताइवान जापान के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होते जा रहे थे। इनफैक्ट जापान के फॉर्मर PM शिंजो आबे ने अपनी डेथ से 2 महीने पहले ये तक स्पष्ट कह दिया था कि ताइवानीज इमरजेंसी इज अ जापानीज इमरजेंसी और US और जापान ये सहन नहीं करेंगे कि चाइना ताइवान को परेशान करे। इसी वजह से जब शिंजो आबे की डेथ हुई तो चाइना ने उसे इंडिपेंडेंस डे की तरह सेलिब्रेट कराए। ताइवान स्ट्रेट से यूरोप और मिडिल ईस्ट के लिए ट्रेड रूट्स जाते हैं और ताइवान स्ट्रेट से 88% ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंटेनर शिप्स यहीं से गुजरते हैं। ताइवान डोमिनेट करता है ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर चिप्स को। आप जानकर हैरान होंगे कि पूरी दुनिया के 65% कंप्यूटर चिप्स ताइवान में ही प्रोड्यूस होते हैं और दूसरी तरफ चाइना का शेयर है सिर्फ 5%। तो ताइवान की इम्पोर्टेंस आप यहाँ से समझ सकते हैं। चाइना के प्रेशर की वजह से ताइवान को UN भी एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता है, सिर्फ एक टेरिटरी मानता है। 2 दिसंबर 2021 में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वी मुरलीधरन ने राज्यसभा में ताइवान के लिए इंडिया का जो स्टैंड है उसके बारे में कहा कि हम एकदम क्लियर है और कंसिस्टेंट है कि ताइवान से हम ट्रेड, कॉमर्स और पीपल टू पीपल रिलेशन बनाकर रखेंगे। एट प्रेजेंट इंडिया के ताइवान के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है क्योंकि इंडिया भी वन चाइना पॉलिसी फॉलो करता है। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी इंडिया के PM बने तो उन्होंने अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में ताइवान के एम्बेसडर चुंग क्वांग तियन को इनवाइट किया। ताइवान के एम्बेसडर, ये सुनकर आपको लगेगा कि क्या ताइवान की एम्बेसी इंडिया में है? तो ऑफिशियल एम्बेसी नहीं है, लेकिन डी फैक्टो एम्बेसी की तरह 1995 से ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर मौजूद है न्यू दिल्ली में, जो सारे एम्बेसी वाले काम संभालते हैं अगर आपको ताइवान जाना हो तो। लेकिन इंडिया ताइवान के स्टैंड पर कोई भी ज्यादा पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देता है, वो आप समझ सकते हैं क्यों। ताइवान की लोकेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज रखती है साउथ चाइना सी में और चाइना के एम्बिशियस वन बेल्ट वन रोड रूट के लिए। तो चाइना किसी भी हाल में ताइवान को एक देश तो बिल्कुल नहीं बनने दे सकता है। आपको क्या लगता है कि चाइना का नेक्स्ट मूव क्या होगा? इतनी धमकियां जो वो ऑलरेडी दे चुका है, तो क्या वो अब अपनी ईगो पर एक्ट करेगा? क्योंकि अगर US चाइना की टेंशन एस्केलेट हुई तो बहुत ही स्पीड से ये सारा इशू वॉर की तरफ बढ़ जाएगा और पूरी दुनिया में कोई नहीं चाहता कि ये दो देश आपस में लड़े। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आप चाहें तो टीम लाइफस्टाइल को सपोर्ट कर सकते हैं ऐसे और प्रेजेंटेशंस देखने के लिए कि कैसे इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड इवेंट्स क्रिएट करे जाते हैं।
इन रिसर्च वर्क और इन प्रेजेंटेशन को बनाने में काफी मैनर्स लगते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आप हमारे बेस स्टेशन पर चल रही ट्रेनिंग का हिस्सा भी बन सकते हैं।